बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने कंसेप्चुअल मैथ में आगे चलते हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम के सो फार वी हैव बीन प्लेइंग विद यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, क्योंकि ये जो सिमेट्री है ना एंगल्स की, साइन कॉस की और टेंजेंट की और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और उनकी रेशियोज़ की, ये सिमेट्री उसके बगैर समझ ही नहीं आ सकती। Can't, simply you can't. So this is the tool which educators, sir, mathematician nahin, educators who really know how to teach maths, ne discover kiya hai ki that's the fun way to convey this concept. Knowing is something else, conveying is something totally else, different thing, ball game. To ab isko humne generalize karna hai, us unit circle se bahar nikalna hai. Unit circle has given enough. Thank you, unit circle. Wo ye hai. कि वी नो दिस मच, इन अ यूनिट सर्कल सेंस साइन इज अबाउट अपोजिट एंड कोसाइन इज अबाउट एडजेसेंट एंड टेंजेंट अबाउट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस रन ओवर राइज, वी डिस्कस द स्टेयर्स केस। लेकिन अब देखें, ये यूनिट सर्कल के अंदर हम खेल रहे थे और हमें ये तो पता है ना कि दिस ट्राइंगल, इवन इफ आई एक्सटेंड इट, नो प्रॉब्लम, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सेम कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, नहीं सिमिलर ट्राइंगल्स बिकॉज दे कैरी द सेम एंगल्स एंड दे कैरी द सेम रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में, अगर आप रेशियो लें सेम होंगे, ठीक है ना। द फ्रैक्शंस एंड द रेशियोज वर्क परफेक्टली वेल प्रोवाइडेड वन ऑफ द एंगल इज सेम, और ये ले लें फिर भी वही रहेगा। तो मिसाल के तौर पे हम यूनिट सर्कल से निकल जाएं, ठीक है ना, जिंदगी में हमेशा दूसरी ट्राइंगल्स भी तो मिलेंगी ना, एंड वी आर एट अ स्टेज वेयर वी टेक दिस अवे फ्रॉम इट। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम यूनिट सर्कल, बट दिस इज एनी जनरल ट्राइंगल वी डोंट नो अबाउट। कैन वी फाइंड आउट साइन एंड कॉज फ्रॉम दिस ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, बट द ट्राइंगल इज ऑफकोर्स राइट एंगल्ड, राइट? कैन वी डू दैट? इसमें तो आसान था, जस्ट मेजर दिस एंड जस्ट मेजर दिस। इसमें वी कांट जस्ट मेजर दिस, दिस कैन बी एनीथिंग, बट वी कैन हाउ, दिस इज व्हाट इट इज। हियर आवर रेशियो प्रोपोर्शन, ये फ्रैक्शंस के बाद जो हमने किया है प्रोपोर्शनल रीजनिंग पे जो हैं, वो अगर आप रिवाइज करना चाहें तो बेशक कर लें, दैट विल हेल्प यू, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल। इसका नाम हमने कोसाइन, साइन और कोसाइन रखा है, वी नो दिस ऑलरेडी। नाउ लुक एट इट, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। नाउ वी आर जस्ट गिविंग इट अ नेम कि ये इस एंगल के अपोजिट वाली साइड को मैं अपोजिट ऑप कह रहा हूँ, और इसको एडजेसेंट कह रहा हूँ, और इसको हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का नाम हाइपोटेन्यूज इसलिए कि ये साइड जरा टेंशन में नजर आती है ना, लाइक दिस, इसका नाम इसीलिए हाइपोटेन्यूज। तो इफ आई टेक दिस रेशियो, दिस एंड दिस, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये रेशियो बनेगी दिस एंड दिस, ratio will remain the same because the triangle are same family, similar family, right? So if I take this fraction from here, the corresponding fraction that comes from this is this side, whatever its length is, height is, and whatever its length is. So that means, so simple, that means I can compute sine of this angle just by these two ratios, even if I don't have a unit circle or a triangle with hypotenuse 1, I can still do this just by the same ratio because it is following the same ratio. So simple. Likewise, agar hum horizontal side ko, cosine wali side ko dekhen, adjacent side ko, to usme ye aise hoga. If I take this over this, the corresponding here is this over this, so ratio between them is same. Same proportionality, right? It's same proportion. That means I can find out cosine of this angle. I don't need to measure this. I just need to measure this ratio. So it works for any right angle triangle as such. Although we started with a unit circle and a unit triangle, a sort of triangle with hypotenuse 1, unit circle, but it works. Likewise, these two ratios, sine and cos, which is equivalent to the tangent, is same as the ratio between these two. Run over rise, which we use in stairs and many other things actually. The tangent is like this. So what does it mean? It means I don't need that small triangle anymore, right? Then if I don't need it, I have these three formulas.
कि साइन आई ऑलवेज कैन फाइंड आउट ऑफ द एंगल इफ आई नो द अपोजिट साइड एंड आई नो द हाइपोटेन्यूज मेजर एंड डिवाइड. टेक्निकली यस. एंड कोसाइन ऑफ एनी एंगल आई डोंट नीड दैट यूनिट सर्कल नाउ राइट. आई जस्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ यूनिट सर्कल एंड देन डूइंग दिस एंड देन डूइंग दिस आई डोंट नीड टू डू दैट. आई जस्ट टेक कोसाइन एज this has to be adjacent, sorry, this has to be adjacent, I must correct it. So that's from the correction we know more even, right? This over this, give me cosine. And tangent, this over this, give me a tangent. So I can put them together, but this is an error which we must correct. This is adjacent. So this is the entire thing. Your trigonometry is finished. Now we will apply it in a very fun way, right? We know sine relates to opposite side. We know cosine relates to adjacent side. So sine of this angle is this over this. Sine of, for example, this angle, we are even generalizing it more. Zaruri nahi koi taro. Sine of this angle, sine relates to opposite, this over this. So it now it needs a little bit of practice to kind of very comfortable in it. So lekin hame baat to samajh aa gayi. Kisi bhi ka sine le sakte hain. Sine relates to opposite and cosine relates to adjacent. Theek hai na? तो पहले हमने ये काम किया था ना कि वी वर टेकिंग ओनली दिस एंगल बाय चांस दिस एंगल द अपोजिट वाज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल बट इट वी कैन इवन टर्न इट लाइक दिस एंड वी हैव टू सी द अपोजिट एंगल. अपोजिट विल गिव अस साइन. सिंपल. एडजेसेंट विल गिव अस कोसाइन. सो नाउ वी हैव इवन मोर जनरलाइज्ड इट ऑल्दो वी स्टार्टेड विद यूनिट सर्कल राइट. यूनिट सर्कल में भी यही था, बस द डिनोमिनेटर वन था. सो नाउ वी आर विद दीज जनरल फार्मूलाज एंड वी विल बी यूजिंग इट इन अ वेरी फन वे इन द नेक्स्ट स्टेट्यून्स.